हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, उसका जो कंप्रेसर होता है, उस कंप्रेसर में एक और कमी होती है। एक तो होता है कि बिल्कुल बैठ जाना, कंप्रेसर ऑन नहीं होता है और हाई एम्पियर होती है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है अंदर। ठीक है, मतलब कि आपस में जो तार होती है, रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन, ठीक है, ये सब मतलब कि जल जाती है, तो उसकी वजह से कंप्रेसर ऑन नहीं होता है, तो कंप्रेसर ख़राब हो जाता है। कंप्रेसर में एक और भी कमी आती है, जैसे इसमें गैस भी होता है, ठीक है, गैस भी होता है और चलता भी है कंप्रेसर, लेकिन वो ठंडा नहीं करता। अगर ठंडा करता भी है तो बर्फ़ नहीं जमाता, या बर्फ़ जमाता भी है तो प्रॉपर बर्फ़ नहीं जमाता है। तो वो किस रीजन से होता है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ और दिखाऊँगा भी कि उसमें क्या कमी होती है। इसमें एक होता है कि पंपिंग, जो कंप्रेसर कितना पंपिंग बना रहा है, तो अगर वो कंप्रेसर 300 से ऊपर यानी 350 पंपिंग बनाएगा तो आपका बर्फ़ जमना चालू हो जाता है, ठीक है। और अगर प्रॉपर कंप्रेसर जो बढ़िया होता है वो 450 पंपिंग बनाना चाहिए। तो वो मैं चेक करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसका पंपिंग कैसे चेक किया जाता है और कितना बना रहा है ये फ्रिज, जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। ओके, अब देखिए, मैं आप लोगों को जो दिखाने जा रहा हूँ ये होता है गेज। इसको लगाया कहाँ पे जाता है मैं आप लोगों को एक एक चीज़ करके बताऊँगा, जो प्रॉपर तरीके से जो भाई अगर काम कर रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा, वो लोग देख सकते हैं। ये जो ऊपर से पाइप आ रही है, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये जो ऊपर से पाइप आ रही है और ये साइड लगा हुआ है, इस साइड में लगा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं सेक्शन लाइन, ठीक है। और ये जो जाली आपको दिख रहा है, ये जाली जो दिख रहा है, यहाँ जो जा रही है आपको, ये देख रहे हैं, ये जाली में लगा हुआ है और ये अंदर को जा रही है, नहीं, अंदर से आ रही है, ठीक है, और ये इस जाली में जा रहा है, ठीक है। ये पूरा जाली है इसका, देख सकते हैं आप लोग, ये पूरी जाली है और ये जाली में जो जा रहा है वही बॉडी में होकर रिटर्न यहाँ पाइप निकल रहा है, ये चीज़, ठीक है। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, अगर अंदर लीकेज है, क्या है, उसके लिए भी आप लोग यहाँ से प्रेशर डाल के छोड़ सकते हैं इसको। दूसरी चीज़ कि अगर आपको पंपिंग चेक करना हो तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से भी चेक कर सकते हैं और जो बाहर से निकल रही है पाइप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, इसमें पिन वाल लगाया है, ये देख रहे हैं आप लोग, पिन वाल यहाँ पर हमने ज्वाइन किया है और यहाँ पर फिर गेज लगा दिया है। गेज लगाने के बाद हमने इसको, अब इसका पंपिंग हम चेक करेंगे, जो आप लोगों को अगर साफ नहीं दिखेगा तो माफ़ कीजिएगा, कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं साफ तरीके से दिखाऊं। इसका प्रेशर पूरा निकालो, दोबारा आपको दिखाना चाहता हूं इसका पंपिंग कैसे चेक करते हैं, ठीक है। अब वहां पे हमने गेज लगा दिया, अब इसको बंद करो, ठीक है, अब इसको हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये पंपिंग कितना बना रहा है। एक चीज़ और बता दूं, एसी हो या फ्रिज हो, दोनों का पंपिंग इसी तरह चेक किया जाता है। अगर ये 350 से ऊपर चला जाता है तो जो हमारा कंप्रेसर है वो बढ़िया तरीके से काम करेगा, यानी 400, 450 कितना जाता है हम देखते हैं। देखिए 350 ये पार कर दिया हुआ है, अब जा रहा है ये 400 पे, नहीं अभी जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं ये 450 बना पाता है कि नहीं, बना रहा है, 450 भी पार हो गया है, अब ये 500 पे जाएगा, ठीक है, खोल दो इसको, नहीं तो ये ख़राब हो सकता है। आप लोग, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि पंपिंग किस तरह से किया जाता है। एक चीज़ और बता देता हूँ, जब कंप्रेसर का पंपिंग लो हो जाता है तो आपके फ्रिज के अंदर जो सामान आप रखते हो, गैस भी ठीक रहती है और तो कूलिंग कम होना चालू हो जाएगा, बर्फ़ नहीं जमेगा धीरे धीरे, मतलब प्रॉब्लम आने लगता है, सेक्शन लाइन से ऑयल फेंकने लगेगा, जो लीकेज हो जाती है। अब ये देखिए, ये इस तरह का जाली होता है, आप जाली के ज़रिए भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लगाया हूँ, ये देखिए जाली यहाँ जा रही है, फिर अंदर से पाइप आ रही है, उसके बाद हमने यहाँ पे पिन वाल लगाया है। अगर समझ नहीं आए तो आप मुझे कॉल करके पूछ भी सकते हैं कि हम एसी या फ्रिज का पंपिंग किस तरह चेक करें।
ठीक है। और आप लोगों को ये भी दिख रहा होगा यहाँ पे जो सेक्शन लाइन ऊपर से आ रही है बिल्कुल सामने, ये इसको जो फ्रीजर से होके आती है, जो अंदर फ्रिज लगा हुआ है वहाँ से होके आती है। ये देखिए जो उंगली रखा हुआ है वो सेक्शन लाइन होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको पहले यहाँ पे पिन वाल लगाना पड़ेगा या तो वहाँ पे पिन वाल लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो वाली जो पाइप दिख रही है उंगली रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे पिन वाल लगा के आप चेक कर सकते हैं, ओके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जो बताया हूँ जिस तरीके से पंपिंग चेक किया जाता है, आप लोग उस तरीके से चेक करें। अगर ज़्यादा दिक्कत आती है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर मैं दे दूंगा, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कमेंट भी करें आप लोगों को और किसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनवाना है तो, कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आता उसका मतलब क्या होता है, आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, फिर हम उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाएंगे। और आप लोग हमें थोड़ा सा सपोर्ट भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया जाए। जो सब्सक्राइब आप करेंगे तो जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो सबसे पहले आपके पास जाएगा, ओके। तो आप लोग ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, ओके।